नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं या फिर सेपरेशन में हैं लेकिन जानना चाहते हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या एक्शन लेंगे और वो क्या चाहते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। देखते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि, ये रीडिंग होगी 12 से लेके 20 जून तक की। देखते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। जो पास वही सेवन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन करंटली आपका इंतजार कर रहे हैं, खुद को स्टेबल बना रहा है, काबिल बना रहा है, मेहनत कर रहा है, मेहनत से चीज़ों को इकट्ठा कर रहा है, पैसों को इकट्ठा कर रहा है, अपने आप को आपके काबिल बना रहा है और अपने आप में खुश है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ लेकिन अपनी काबिलियत पर उन्हें अहंकार है, उनको लगता है कि वो जो है जैसे हैं, जिस पोस्ट पे हैं, जिस तरह की इंसान है, वो खुद में एकदम एक कंप्लीट मैन है या ओमन है, इस तरह की सोच उनकी है करंटली। लेकिन फिर भी वो आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं, आपके साथ रिश्तों में न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, वो चाहते हैं जो हो गया सो हो गया, अभी एक नया रिश्ता नई तरह से शुरू किया जाए, पुरानी बातों को भूला जाए, ख़त्म किया जाए, मिट्टी पाओ उसमें, अभी नए तरीके से रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं प्यार से। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, वो आ रहा है आपके पास, वो इंसान आ रहा है आपके पास प्यार लेके। जो पास वही है तेरा, बाकी सब मोह का फेरा। ये गाना चैनलिंग हो रहा है। तू क्यों समझ ना पाया। देखते हैं वो चाहते क्या हैं। द मैजिशियन बंदा मैनिपुलेटिव बंदा है, किसी भी तरह से आपके साथ आना चाहता है। हाई प्रिस्टेस नॉलेजेबल है, इंट्यूटिव है, पहले ही देखो ना किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, पैसा है, नॉलेज है, सब कुछ है इंसान के पास, तो भाई नो कांटेक्ट में क्यों हो। और किंग ऑफ सोर्ड्स क्या कहने, लेकिन उसका ईगो थोड़ा उसको रोक रहा है। ऐसा बंदा तो ईगोइस्टिक होगा ही ना, जो स्टेबल है, एक मेहनत से कमाया हुआ है, सब कुछ उनके पास है, स्टेबिलिटी है, पैसा है, नॉलेज है, इज्जत है समाज में, तो वो इंसान थोड़ा, हालांकि होना नहीं चाहिए लेकिन थोड़ी अहंकारी भी हो सकता है। ये इंसान चाहता है बाई हुक एंड कूक आपके साथ रिश्ते को दोबारा से शुरू करना, और उनको ये पता है कि वो ये कर पाएंगे, वो कर लेंगे, क्योंकि आपके साथ रिश्ता उनको अच्छा लगता है। और ये इंसान बहुत ही इंट्यूटिव है, या फिर आप हो, आपको पता है ये इंसान आपके तरफ आ रहा है, और वो अपने स्टेबिलिटी के साथ आपके पास आ रहा है, क्योंकि आपकी जो हैसियत है, आप भी कम नहीं हो, आपकी जो हैसियत है, आपकी जो बोलने की अंदाज है, आपके जो काम करने की अंदाज है, आप हमेशा
लेकिन ये इंसान या फिर आप दोनों में से कोई एक ऐसा है जो हमेशा अपने बारे में सोचता है, अपने बारे में, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, मेरे में ये क्वालिटी है, मैं कोई एक बंदा इसमें है जो हमेशा अपने आप को क्या बोलते हैं उसको, अपना पीठ थपथपाता है, इस तरह के हैं। दूसरों को भी थोड़ा इम्पोर्टेंस दीजिए, नहीं तो अपना इम्पोर्टेंस ही आप खो दोगे। आप तभी आपको बैठने के लिए एक सीट मिल सकता है जब आप किसी के लिए कभी कोई सीट छोड़ा होगा आपने, तभी कोई आप के लिए एक सीट खड़े होके जरूर छोड़ेंगे। तो हमेशा अब मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं ये हूँ, मेरे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, मैं इंटेलिजेंट हूँ, आप में इतना दिमाग नहीं है, इस तरह की बात, इस तरह की सोच अच्छी बात नहीं है। हालांकि आप प्यार करते हो, लेकिन आप अपने को ज़्यादा प्रदर्शित करते हो। कोई एक ऐसा है जो हमेशा अपना, मुझे सब पता है, तुम्हें कुछ नहीं पता, जैसे कहते ना, तेरे को कुछ पता नहीं है, तू ये बोल रहा है, तुम्हारे दिमाग नहीं है, तुम्हारे दिमाग घुटनों में है, इस तरह के इंसान है कोई एक जो चाहता है कि अपने पावर से, अपनी नॉलेज से, अपनी डिग्निटी से सब कुछ वो पाना चाहता है। हमेशा ऐसा होता नहीं है, थोड़ा कम समझने वाला इंसान भी आपको घुमा देगा, आपको ऐसा बात बता देगा कि आप तब अपनी दांतों तले उंगली चबा लोगे कि ये कैसे हो गया, इसने ऐसा कैसे कह दिया। इसीलिए कोई एक है, वो अगर मैं कहूँ कि वो क्या चाहते हैं, बाय हुक एंड कुक, वो आपके साथ रिश्ता चाहते हैं, अपनी मर्जी से रिश्ता चाहते हैं, रिश्ता अपने मुताबिक चलाना चाहते हैं, और उनको पता है कि उन्होंने इतना मेहनत, इतना शिद्दत से ये चीज़ें चाहा है कि अभी गॉड भी उनको ये सारी चीज़ देंगे, क्योंकि वो खुद को सच्चा मानते हैं। हो सकता है इंसान है भी अच्छा सच्चा, तो उनको पता है उनको क्या चाहिए और वो उनको मिल के रहेगा, लेकिन बंदे का ईगो थोड़ा उसको रोक रहा है, नहीं तो वो चला आता आपके पास। इस ईगो के कारण वो रुका हुआ है, लेकिन आएगा। अभी देखते हैं 12 से लेके 20 तारीख तक की उनका एक्शन क्या रहेगा, वो क्या एक्शन लेंगे। तू क्यों समझ ना पाया। 3 of Pentacles, पेंटिकल्स से रीडिंग शुरू हुआ। क्वीन ऑफ सोर्स, मैंने कहा 8 of Pentacles, वो बंदा मेहनत करना चाहते हैं रिश्ते में, वो रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है आपकी जुबान या फिर उनका जुबान जो है उनका साथ नहीं दे रहा है बंदे का, वो कुछ भी बोल देता है। हमेशा तो अपने बारे में सोचता है, अपने को महान बताता है, तो वो एक्शन लेना तो चाहते हैं, लेकिन देखो वो अकेला नहीं ले पा रहा है ये इंसान, किसी की मदद से, हो सकता है किसी दोस्तों की मदद से वो आपको कुछ बुलावा भेजे, बात करना चाहे, कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज भी कर सकता है। वो इस रिश्ते में मेहनत करना चाहता है बंदा, लेकिन वो इंसान जो है थोड़ा अहंकारी है, इसीलिए वो आगे नहीं आ पा रहा है। वो अपने में मस्त है, मस्त मौला, वो अपने आप को बहुत कुछ समझता है बंदा, है भी, हो सकता है, हो सकता है वो इंसान है, लेकिन समझना नहीं है, जो है सो है, भगवान की देन है सब। वो अपने आप के बारे में सोचता है, कभी भी दूसरों, सामने वाले के बारे में नहीं सोचता है, कभी भी कुछ भी उत्पटांग बोल देते हैं। हो सकता है आप ऐसे हो जो ये रीडिंग देख रहे हो, टॉरस, हो सकता है इसीलिए वो बंदा चुपचाप है, रुका हुआ है, रिश्ता चाहता है। कोई एक भी कार्ड अभी तक मेरे नज़र में नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन कोई बंदा है जो नेगेटिव है, मतलब शॉर्ट टेम्पर वाला बंदा है, किसी को कुछ भी बोल देता है,
कुछ जो मुंह में आए बोल देता है। ऐसा नहीं कि किसी के लिए वो बुरा सोचता है या सोचती है, लेकिन जिस तरह से बोलता है सामने वाला तो मर ही जाएगा। और सिर्फ अपना लक्ष्य, अपने बारे में सोचना, अपन खुद का फायदा, खुद को क्या अच्छा लगता है, भाई तुम मेरे काम के नहीं हो तो आप मेरे लिस्ट से बाहर हो। और लेकिन वो ईगो के कारण आपके पास नहीं आ पा रहा है, लेकिन वो किसी की मदद से रिश्ते को आगे ले जाने के लिए काम करेंगे इन दिनों, और किसी के मदद से वो रिश्ते को आगे ले जाएगा। वो पैसों के लिए मेहनत कर रहा है, पैसे के पीछे इंसान बहुत ज़्यादा भागता है ये इंसान, क्योंकि पैसों से ही कार्ड का रीडिंग का शुरू हुआ था, और इनके पास पैसा है, ये रिश्ते में मेहनत करना चाहेंगे इन दिनों। वो इंतज़ार करेंगे जब तक सब कुछ सही ना हो जाए। नो कॉन्टेक्ट में है, लेकिन किसी की मदद से ये इंसान रिश्ते को सही करना चाहेंगे इन दिनों। ज़्यादातर चांसेस है दोस्तों के मदद से वो रिश्ते को सही कर ले। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। लड़ाई झगड़ा क्यों करते हो सब लोग? देखो ये गाना चैनलिंग हो रहा है, जो पास है वही तेरा, बाकी सब मोह का फेरा। तू क्यों समझ ना पाया, तन मिट्टी है मन माया। देखते हैं यूनिवर्स जी क्या कह रहे हैं। प्यार से रहो, प्यार से रहो सब। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड का कार्ड। मैंने कहा भाई ये रिश्ता न्यू बिगिनिंग में आएगा, रिकॉन्सिलेशन होगा, लड़ाई झगड़ा खत्म होगी। यूनिवर्स जी आपसे ये कह रहा है कि अगर आप इंतजार कर रहे हो, देखो पेंटिकल्स पेंटिकल पैसा पैसा पैसा, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन का ही कार्ड है ये। पेज ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी, रिश्ते में क्लैरिटी आएगी। जैसे मैंने कहा ये बंदा आपको स्टॉक करता है ऑनलाइन, और आप लोगों का रिश्ता एक नए सर्कल में जा रहा है। पुराने जो गिले शिकवे हैं उसको ख़त्म करो और एक दूसरे के साथ बात करो। स्टॉकिंग से कुछ नहीं होगा, स्टॉक करने से। देख रहे हो कब ऑनलाइन आया है, किसके साथ बात कर रहा है, वो मेरे साथ तो नहीं बात कर रहा है, इससे कुछ नहीं होगा। आगे जाओ, बात करो, क्योंकि ये रिश्ता नए सर्कल में जाना है, जाना ही जाना है। तो पुरानी चीजों को खत्म ना करके कैसे जाओगे आप? जल्दी से बात करो एक दूसरे के साथ, स्टॉकिंग वॉकिंग छोड़ो, इंतजार बहुत हुआ, अभी जाओ जाके बात करो और रिश्ते को सही करो। कंफ्यूजन मत लाओ रिश्ते में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो देखते रहिए।